सहारा का यहाँ पे जो दावा का जो है प्रिंट आउट को जो दावा का लोड किया जा रहा था, जनरेट किया जा रहा था, तो दावा का यहाँ पर्ती पर जो है जनरेट नहीं हो रहा। तो कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। पिछले 5-6 दिन से जो है सहारा के पोर्टल पर कुछ दिक्कत आ रहे हैं, जिसमें से हमारे वैली और जितने भी सहारा के यूज़र है जिन्होंने अपना सहारा में पैसा रखा है, तो उन्हें क्लेम करने में दिक्कत आ रहा था। तो कंप्लीट हम जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो बने रहे वीडियो में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च करवा लेना सहारा रिफंड। तो जैसे सहारा रिफंड सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए जमाकर्ता पंजीयन, आप इसे चाहिए तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं यहाँ से कन्वर्ट। तो रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट वाले ऑप्शन, यहाँ डिपॉजिट है रजिस्ट्रेशन, तो हमें सहूलियत के आधार से हम हिंदी पे यहाँ करके ही रखते हैं। तो यहाँ पर जमाकर्ता पंजीयन पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपको देखिए ये नया पेज आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लास्ट 4 डिजिट अपना आधार नंबर डालना और यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हुआ आपके, तो हम फिलहाल यहाँ पे डाल लेते हैं अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर। तो यहाँ पे डालने के बाद हम यहाँ सबमिट कर देंगे। आप यहाँ देख लीजिएगा जिनका आप सहारा डाल रहे हैं उन्हीं का रजिस्ट्रेशन नंबर और उन्हीं का आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे ओटीपी का आप इंतजार कर लीजिएगा, ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गिरेगा। तो ओटीपी हो सकता है गिरने में कुछ टाइम ले आपसे, 2 मिनट 1 मिनट, तो ऐसे केस में आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ओटीपी की आधार का पोर्टल पर से ओटीपी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है देने में। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ओटीपी हमें आया है या नहीं आया। ओटीपी जो जब भी आएगा तो आपके मोबाइल पर आएगा। तो फिलहाल मुझे ओटीपी प्राप्त हो चुका है, तो हम यहाँ पर ओटीपी को डाल लेंगे। सही सही ओटीपी को डालने के बाद सत्यापन जैसे क्लिक करते हैं तो ये आपको अगले पेज में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यूआईडी की घोषणा, मैं इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे ई केवाईसी होता है, नो कस्टमर जो होता है, सत्यापन के लिए आधार नंबर, व्यक्तिगत जानकारी का प्रयोग के लिए अपनी सहमति प्रदान कर रहा हूँ, करता हूँ, करती हूँ, जो भी आप लेडी से स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे घोषणा है, इसे पढ़ सकते हैं बड़ा हिंदी में सरल भाषा में। आधार पंजीयन और नियम शर्तें को शर्त को यहाँ पे नियम और शर्तें जो हैं उसको मैं सहमत हूँ करने के बाद टिक करने के बाद आगे बढ़िएगा। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल 6 स्टेप है। तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो चुका। अगला स्टेप के लिए जैसे जाते हुए व्यक्तिगत जानकारी के लिए आपको पूरा आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी प्राप्त वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ओटीपी प्राप्त वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये आपके आधार कार्ड से फिर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी एक देगा। आप यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी का देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा आपको, अब यहाँ पे ओटीपी जैसे आप डालते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको देखिए ये फैच करेगा ओटीपी और आपके एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अगर आपको नहीं पता तो इसका डिटेल जो है हमारे चैनल पे एक वीडियो आप देख लीजिएगा एनपीसीआई क्या होता और उसे कैसे चेक करें। तो ओटीपी यहाँ पर देखिए वेरीफाई किए नहीं लिया ओटीपी, तो फिर से हम यहाँ एक बार इसको ये कर लेंगे और देखते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। तो यहाँ पर ओटीपी वेरीफिकेशन का कुछ इशू होगा, तो फिर से हम एक बार ओटीपी को जनरेट करवाते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम आधार नंबर को डाल लेते हैं, डालने के बाद फिर से ओटीपी यहाँ पे प्रयास करते हैं ओटीपी गिराने का। और ओटीपी जैसे एक बार देख लेते हैं ओटीपी, तो यहाँ पे हमने ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। तो एक बार जैसे रिक्वेस्ट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जैसे एक बार मेरे नंबर पर आता है, तो हम यहाँ पर ओटीपी को डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ पे जैसे ओटीपी सत्यापन करते हैं तो देखिए यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक, अब यहाँ पे आपको टोटल मामला यहीं पे है, विवरण आधार से प्राप्त, तो जो एनपीसीआई मेरा लिंक है आधार कार्ड से, तो यहाँ पे देखिएगा मेरा नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, सन, फादर नेम रहेगा, उसके बाद कौन से बैंक आधार से सीड है। तो ऐसे केस में मेरा जो एयरटेल पेमेंट बैंक, अगर आपका बैंक जो है इसमें सीड है, एयरटेल पेटीएम पेमेंट बैंक मेरा है, एयरटेल या कोई और बैंक आपका है, तो अगर आपको वो बैंक आपके पास चालू नहीं है तो आप एक फिर से खाता खोला लीजिए पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में या फिर अदर बैंक में, और उसके बाद उसे एनपीसीआई रिप्लेस कर दें अगले बैंक से। उसके बाद ये आपसे 3 से 5 दिन में जैसे एक बार एनपीसीआई लिंक हो जाता है तो फिर से आप यहाँ पे सहारा का ऑनलाइन करें, अन्यथा आपका पैसा उस अकाउंट में चला जाएगा, तो बाद में आप उस अकाउंट से पैसा निकाल नहीं पाइएगा किसी कारण बस, तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर दावा कर देखिए हम चूज कर लेते हैं हमारा इंडिया क्रेडिट कॉरपोरेशन। अब यहाँ पर नंबर डाल दिए हैं, मेंबर आईडी डाल दिए हैं, अब यहाँ पर हम कुछ भी ले लेते हैं, डेट हमने चूज करना है। फिलहाल ये हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पे डालने के बाद हम यहाँ पे चूज कर लिए हैं, चूज करने के बाद अमाउंट को डाल लेना, अमाउंट आपका जो भी रहेगा जो आपको जमा किए हैं
उसके बाद यहाँ से फॉर्म को आपको करना है सबमिट। तो हम एक बार हम यहाँ पे देखिए इस फॉर्म को ही कर रहे हैं और यहाँ पे दावा जोड़े वाले ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं। तो फिलहाल ये पीडीएफ साइज़ मेरा 200 केबी से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मुझे एक बार रिप्लेस कर लेना है। 200 केबी से कम का पीडीएफ को रखना है और इसे अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करें, ये भी साइज हमारा जो ज़्यादा है। तो अब ऐसे केस में आपको क्या है, PI7 तो पीडीएफ कन्वर्टर बहुत अच्छा पीडीएफ कन्वर्टर है, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको 200 केबी तक का जो यहाँ पे फाइल साइज को है कन्वर्ट करने के लिए, इस वाले ऑप्शन पर जाइएगा और यहाँ से आपको किसी भी पीडीएफ को चूज कर लीजिए और कन्वर्ट वाले ऑप्शन पर कंप्रेस कर देना है। कंप्रेस कीजिएगा तो ये आपको 200 केबी तक बड़े आसानी से विद इन कुछ सेकंड में आपको पीडीएफ दे देगी। तो ऐसा हो गया, अब हम इसे लाते हैं। फिलहाल जो हम यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लिए हैं और इसे देखिए यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जैसे एक बार ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं कि ये हमारा जो दावा का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड होता है या नहीं, जनरेट होता। तो फिलहाल ये ऐड ले रही, फिलहाल जैसे हम यहाँ पे दावा के लिए जोड़े हैं तो ये ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट करेंगे तो हमें यहाँ दावा अनुरोध प्रपत्र जनरेट करें, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो फिलहाल ये कुछ देर हमें वेट करने के लिए यहाँ पर देखिए साइड, और यहाँ से देखिए बड़ी आसानी के साथ आपने पीडीएफ जनरेट करके आगे बढ़ जाना। तो यहाँ हमने बताया कि आपको ये फिलहाल जनरेट नहीं हो रहा था, लेकिन ये हो गया। अब दावा को आपको प्रिंट आउट कर लेना, अब प्रिंट आउट करने के बाद एक फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना और यहाँ पर क्रॉस साइन मारना फ़ोटो और इसके बीच से, ताकि फेस पर नहीं हो, क्रॉस सिग्नेचर मतलब तिरछा होना चाहिए, क्रॉसिंग तिरछा होना चाहिए। और उसके बाद इसे मिलान कर लीजिएगा अपने दावा के, यहाँ पर हमने टेम्प्रोरी को आपको बताया। और नीचे आने के बाद आपको देखिएगा यहाँ पे आपको आपका सिग्नेचर हस्ताक्षर करना और यहाँ पैलेस डालना और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के इसे प्रिंट आउट को स्कैन करके और दावा को अपलोड कर देना। तो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि सहारा का कम्प्लीट बस एक स्टेप बचा हुआ, जैसे जनरेट करने के बाद आपको ये करते हैं और नेक्स्ट करते हैं तो फिलहाल यहाँ से अपलोड कर, अगर 50,000 से ऊपर का आपका तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिक आपको पैन कार्ड के लिए फॉर्म खुल जाएगा और इसे अब दोनों को अपलोड करके नेक्स्ट कीजिएगा। एक प्राप्ति जो आपको यहाँ पे रसीद जनरेट होगा उसे रख लेना और 30 से 45 दिन का वेट करना आपको सहारा के लिए कम्प्लीट। तो हमने अभी बताया कि जो जनरेट नहीं हो रहा था आपको दावा दस्तावेज, तो वो फिलहाल चालू हो चुका है, तो आप जनरेट जाके कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।